नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष पांडे और माई उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम तौर पे चटपटा या मसालेदार खाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कुछ घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें से एक सबसे प्रमुख बीमारी पेट की अल्सर होती है। और आम तौर पे लोगों को इसके लक्षण या इसके संकेत पता ही नहीं लग पाते। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो कि पेट के अल्सर के हो सकते हैं और जिसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो अधिक मात्रा में खाना खा लेना या तला भुना मसालेदार खाना कभी कभार खाना भी आपके पेट को फुला फुला या ब्लोटिंग करवा सकता है, लेकिन यदि आपको ये शिकायत लंबे समय से चले आ रही है तो ये पेट के अल्सर का एक प्रमुख लक्षण हो सकती है, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। वहीं लंबे समय से खट्टी ढकारों का आना हर एक मील के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हो, उसके बाद यदि आपको बहुत ज़्यादा खट्टी ढकारें आ रही हैं तो भी ये पेट के अल्सर का एक लक्षण या संकेत हो सकता है। यदि आपको दिन भर आपके पेट में हल्का हल्का सा दर्द रह रहा है और ये लंबे समय से है तो ये पेट के अल्सर का एक संकेत हो सकता है। और ये दर्द खाना खाने के बाद तुरंत आराम मिल जाए कुछ घंटों के लिए तो भी ये एक प्रकार का पेट का अल्सर हो सकता है। दिन भर अधिक मात्रा में पेट में तेजाब का बनना या तेजाब बन के आपके ऊपर छाती में आके जलन कराना भी पेट के अल्सर का एक संकेत या लक्षण हो सकता है। अगर आपका लंबे समय से वजन कम हो रहा है या आपके कपड़े ढीले पड़ रहे हैं तो भी ये पेट के अल्सर के कारणवश ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लंबे समय से पेट के अल्सर की समस्या की शिकायत है तो आपको खाने पीने का मन भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप खाना कम खाने लगेंगे और यही आपके वजन कम होने का कारण होगा। महिलाओं में खास तौर पे कमजोरी, सुस्ती का आना, जिसे हम शरीर में खून की कमी या एनीमिया कहते हैं, ये पेट के अल्सर की समस्या की वजह से हो सकता है, क्योंकि पेट के अल्सर के वजह से आपको टट्टी के साथ खून का रिसाव भी धीरे धीरे होते रहेगा और आपके टट्टी का रंग काला आएगा। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद ही उल्टी जैसा मन करना या उल्टी होने की समस्या होती है, जो पेट के अल्सर का एक संकेत भी हो सकता है। एक सबसे प्रमुख संकेत, यदि आप कोई दवा जैसे कि एंटा एसिड्स, पेट की गैस कम करने की दवा, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो या सिरप फॉर्म में हो, आपको लेने से आराम मिल जाता है और ये समस्या आगे फिर उत्पन्न हो जाती है तो भी ये पेट के अल्सर का एक संकेत हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको ये संकेत या लक्षण दिख रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि इसका इलाज जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि अगर ये अल्सर का इलाज समय पे ना हुआ तो आगे जाके ये कैंसर नामक घातक बीमारी का भी रूप ले सकती है। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।